अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहिन सुल्ताना। तो गाइस, आज का स्नैक्स है रमज़ान स्पेशल, बेसन के मिर्चियाँ और उसके साथ चटपटी चटनी, और है आलू के थोड़े से चिप्स बनाई हूँ मैं, और आलू के पकोड़े। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं, और बेहद है टेस्टी खाने में, और जब भी आप ताज़ा बनाइए और खाइए, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि फास्टिंग में बासी नहीं खाना है। तो ये सबसे पहले हम मेज़ूर से 2 कप बेसन ले रही हूँ मैं, एकदम फाइन बेसन है ये, बाज़ार में मिलने वाला बेसन मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें है 1/2 टीस्पून सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, आप आपके स्वाद अनुसार लीजिए। और ये भी 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर ले रही हूँ, और ये है कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ये फ्रेश कुटा हुआ लीजिए आप, बेहद टेस्टी होती है, जायकेदार होते हैं, आप बार बार बनाकर खाएंगे इंशाल्लाह, इतनी टेस्टी होती है ये। और ये है 1/2 टीस्पून एकदम फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें से थोड़ी चुटकी भर हल्दी, आप ये ऑप्शनल है, मत डालिए आप, कलर नहीं आएगा सही। और ये है अजवाइन, थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन डाल रही हूँ मैं, ताकि हाजमा सही हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छा पेस्ट की एक अच्छा बैटर बनाएंगे, थिक बैटर, ना ये लूज रहे ना तो एकदम थिक रहे, मीडियम। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच के हाथ, या आप हाथ से कीजिए या चम्मच से कीजिए, ये आप पे डिपेंड है। तो देखिए मैं इस तरह से, एक भी लम्प्स नहीं रहना है इसमें, तो इतना अच्छा बैटर बनकर तैयार होता है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इसकी। इसे अच्छे से फेंटने के बाद जब पूरे लम्प्स इसमें से चले जाएं, तब इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे, यानी खाने का सोडा 1 चुटकी। देखिए इस तरह से रहना है इसकी कंसिस्टेंसी, ताकि ये इजीली कोटिंग हो। हम देखिए 1 चुटकी खाने का सोडा डाल रही हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मिर्चियों की कोटिंग इसमें, अगर आप जब भी मिर्ची इसमें डीप करेंगे तो अच्छी कोटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से होना है, तो स्पून ये कोटिंग को छोड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो गया। देखिए तो चलिए इसे हम बाजू थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक हम चटनी बना लेंगे। और यह देखिए मिर्चियाँ जो मेरे पास साइज़ में बड़े थे, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा कट कर ली हूँ, साइड में आप देख सकते हैं पीसेस मैं निकाल ली हूँ। और ये देखिए हरा धनिया है 1 मुट्ठी, और मैं 2 टमाटर ली हूँ बड़े साइज के, 3 हरी मिर्च और 10 से 12 काली मिर्च के दाने, और 3 लहसुन की कलियाँ। देखिए इन सारे चीज़ों को हम 1 टेबल स्पून ऑयल में, और ये थोड़ी सी इमली है खटास के लिए, चटपटी बनने के लिए, थोड़े से ऑयल में मैंने हरी मिर्चें छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं ये लहसुन के कलियाँ और ये सारी चीज़ें इसमें झोंक दीजिए, काली मिर्चों को भी इसमें डाल दीजिए आप, थोड़ा सा नमक, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे, बस 1/4 स्पून। देखिए अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई होने देंगे, यानी सोटे करेंगे, जब तक कि ये पूरे नम ना हो जाए, ये अच्छे से पक जाए। अब इस इमली में से आप एक भी चिया मत रखिए, इसके अंदर जो बीज होते हैं इमली के बीज, वो निकाल लीजिए, साफ कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, ये भी फ्राई हो जाएगी। देखिए इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है,
टमाटर पूरे सॉफ्ट हो जाना है, बस मीडियम फ्लेम पे आप कीजिए। इतनी टेस्टी होती है ये चटनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए सारा रमज़ान। शायद मैं समझती हूँ आप यही चटनी खाना पसंद करेंगे स्नैक्स के साथ, इतनी टेस्टी होती है, एकदम फ्रेशनेस एकदम अच्छी रहती है। और आप प्लीज़ जब भी खाएं तो आप फ्रेश बनाकर खाएं, क्योंकि हम फास्टिंग में डाइटिंग होती है हमारी, तो डाइट पे रहते हैं, तो प्लीज़ जितना हो सके आप फ्रेश बनाकर खाइए, वरना तबीयत ख़राब हो सकती है और हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जब भी खाएं थोड़ा खाएं, एक ही आइटम क्यों ना खाएं लेकिन फ्रेश खाएं। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर रही हूँ, और जो इमली का जो पानी था मैं भिगो कर रखी थी वो पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और अब इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, एक चटनी बन जाएगी इसकी, अच्छी सी टेस्टी यमी चटपटी लाजवाब चटनी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल में, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगी। आप रोज़मर्रा में इसे इस्तेमाल करेंगे, रमज़ान में स्पेशल रमज़ान के लिए मैं दे रही हूँ। देखिए इतनी अच्छी होती है टेस्टी, आप पेट भर जाएगा लेकिन नियत नहीं भरेगी खाने में, इतनी टेस्टी होती है, आप चटकारे ले लेकर खाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम इसी चटनी को थोड़ा सा मिर्चों में डाल देंगे ताकि हमारे मिर्चियाँ फीका ना रहे, देखिए तेज़ ना रहे, इतना अच्छा टेस्ट होता है जब इस तरह से आप थोड़ी सी चटनी इसमें भरकर बेसन में डुबोएंगी ना, तो लाजवाब हो जाएंगे आप, पूरी मिर्च के साथ ये पकोड़े खा लेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी लगा लेना है, जब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करें हैं ये चटनी में, तो आप देखिएगा इतनी टेस्टी होती है ये चटनी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप। तो एक एक करके हम सारे मिर्चियों में इसे डाल देंगे, देखिए इस तरह से फिल कर लेंगे। अब मैं जो देखिए जो मैंने जो इसकी लेंथ बड़ी थी मिर्चियों की जो मैंने कट कर ली हूँ, उसे भी मैंने वेस्ट नहीं कर रही हूँ, उसे भी मैंने इस्तेमाल में लूँगी, कौन सी भी चीज़ ज़ाया मत कीजिए, फेंकिए मत। देखिए मैं जो फर्स्ट डालकर बता रही हूँ, जो मैंने कट करी थी, इसकी जो नोके होती है मिर्ची की, फर्स्ट मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए अब जाएगा ये बेसन में, अच्छे से कोटिंग कीजिए मिर्चों को और इसके पकोड़े बना लीजिए। देखिए इतने अच्छे बेसन के मिर्चियाँ बनकर, देखिए डालते ही फूल जा रहे हैं, तो परफेक्ट आपका बेसन का बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से बनाइए, खाइए और खुशियाँ बांटिए अपने परिवार में, खिलाइए और वाह वाह पाइए। ये रमज़ान स्पेशल आप लोगों के लिए खास दे रही हूँ, तो देखिए कितने अच्छे बाजार जैसे लग रहे हैं और बाजार जैसा ही टेस्ट है इसके अंदर, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं जब कभी भी बनाती हूँ तो मेरे घर पे सब कंफ्यूज होते हैं कि बाजार से मंगवाए या घर पे बनाए, कोई बिलीव नहीं करता मैं घर पे बनाई हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक्स अपने घर पे ही बनाती हूँ। तो देखिए आपको जैसा कलर पसंद है आप वैसा बनाइए, देखिए सेम बाजार जैसा कलर मैं गोल्डन फ्राई कर रही हूँ। देखिए अब जब इसका बैटर अगर आपके पास बच जाएगा तो आप इसे भी वेस्ट मत कीजिए, एक स्लाइसर की मदद से आप एक आलू को चिप्स की तरह बना लीजिए, और उसे भी इसमें आप आलू के पकोड़े भी बना ले सकते हैं, कौन सी भी चीज़ ज़ाया मत कीजिए। बेसन ज़्यादा हो गया फेंक देंगे या पानी डाल देंगे, ऐसा मत कीजिए, इसे भी हम इस्तेमाल करना आपको सिखा रही हूँ। तो इतने टेस्टी होते हैं, देखिए जो नोके हैं मिर्चियों के जो मैंने कट कर ली थी, और इसे भी मैं इसमें डीप करके कोटिंग अच्छी से कर रही हूँ, और इसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने ये स्लाइसर की मदद से आलूओं को मैं अच्छे से आलू को एक आलू को छोटे से लेकर मैं इसे बना रही हूँ, तो ये आलू के भी पकोड़े इस तरह से बन रहे हैं, और देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं, फ्लफी, देखिए
जैसा कि बाजार के आप लाकर खा रहे हैं, इस तरह का टेस्ट है और इस तरह के लुक भी इस तरह का ही है जो आप रेस्टोरेंट से लाए जैसा। तो देखिए इस तरह से आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। और गाइस, जिसको भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए हम इन सारे चीज़ों को इस तरह से फ्राई करते हैं। तो कितना आसान है देख लीजिए, एक ही बैटर में हम बहुत सारे पकौड़े बना सकते हैं। देखिए ना, बैटर वेस्ट हो रहा ना, तो आपको और वेराइटीज भी अलग से बनकर आ रही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रीज में तो आप प्लीज़ बेसन बैटर जो भी है आप मत रखिए, हेल्थ बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जितना हो सके आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है आपको मार्केट में, डेली हर चीज़ आपको घर के सामने ही आ रही है, तो आप प्लीज़ डेली खरीदिए और बनाइए, फ्रेश खाइए, जितना हो सके फ्रेश बनाकर खाइए। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो बाकी के जो बच गए थे स्लाइसेस जो मैंने कट करी थी आलू के, और उसे भी मैंने इसे इस तरह से फ्राई कर ले रही हूँ, और ये भी इतने अच्छे चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए जब तलक हम फ्राई करना है, जब इसके बुलबुले ख़त्म हो जाते हैं तो समझ जाइए ये चिप्स बनकर तैयार हो गए। देखिए थोड़ा सा आप आगे पीछे करके इसे हिला लीजिए, देखिए ये भी एकदम क्रिस्पी चिप्स बनकर, कौन सी भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं हुई, इस तरह से आप बना सकती हैं। और देखिए मैंने इसे डिश आउट कर ली हूँ, तो कैसी लगी गाइस मेरी डिशेस और मेरी रेसिपीज़, प्लीज़ मुझे गुड्स कमेंट्स कीजिए। और चलती हूँ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।